Only 4 days are left for the phase one of SEBI Grade A Legal 2023 examination, which is to be held on 5th August 2023. But you know, the very important thing about the phase one is that this is qualifying in nature. You just have to score cutoff marks and you can reserve your seat for the phase two of the examination. For this purpose, if you are partially prepared, if you are not fully confident about the paper two of this examination, I am going to tell you 5 important acts through which you can easily score 50 marks in paper 2 of the phase 1 of the examination. So if you are not fully prepared, if you are not fully confident, so guys, ye 5 topics aap kar lijiye, definitely you are going to score 50 marks in paper 2 and you can reserve your seat for the phase 2 of the examination. So which are these 5 acts that I am going to tell you? So let's begin, guys. But before starting, one very very important thing, that before appearing for the phase 1 of the examination on 5th August, guys, kindly do refer the previous year question so that you will get to know what kind of questions are asked. Theek hai, to aapko previous year question refer karna hai, guys. From where you will get the link given in the description box below. Go to the link, click on that and download the previous year question. And guys, do refer at least twice before the examination. Now guys, let's proceed. So why we are talking about the 50% of marks? The very very important thing, why are we talking about 50% of marks? So this you can see from the pattern itself. If I talk about pattern, so guys, paper 1 mein you have to score 30 marks, right? 30%, which means 30 marks you have to score. Or paper 2 mein you have to score 40 marks. But if I talk about aggregate cutoff, right, here you can see the aggregate cutoff shall be 40%. So uske liye इस क्या मतलब है कि आपको 80 आउट ऑफ 200 स्कोर करना होगा गाइस, राइट? सो इन ऑर्डर टू मीट दिस क्राइटेरिया, दैट इज एग्रीगेट कट ऑफ ऑफ 40%, यू जस्ट हैव टू स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 200. बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा काउंट और रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है. सो आई एम कंसिडरिंग कि यू आर जस्ट स्कोरिंग 30 मार्क्स इन पेपर 1. सो गाइज, इन ऑर्डर टू क्लियर द फेज 1, यू हैव टू स्कोर 50 मार्क्स, ठीक है? तभी हमारे 80 मार्क्स हो पाएंगे. 50 मार्क्स इन पेपर 2. बट अब इस रिमेनिंग 4 डेज में कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, यू नो वेरी वेल. अगर आपने पहले पढ़ा है तो यू कैन रिवाइज इट, बट अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है गाइज, सो यहां पे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 1 थ्रू विच यू कैन इजिली स्कोर 50 मार्क्स एंड यू कैन सिक्योर, यू कैन रिजर्व योर सीट फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. वॉट आर दीज टॉपिक्स गाइज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू? सो हेयर यू कैन सी द सिलेबस, यू नो वेरी वेल, बट ये सिलेबस इस लिमिटेड टाइम में कर पाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा 4 डेज में. यू कैन जस्ट रिवाइज इट इफ यू हैव प्रीवियसली कवर्ड इट, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स हैं, बट इन टॉपिक्स में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं अभी इन 4 डेज में एंड थ्रू विच यू कैन इजिली स्कोर 50% मार्क्स, दैट इज 50 मार्क्स इन पेपर 2. सो दीज आर द टॉपिक्स. नंबर फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेटेज है गाइस, दैट इज 20%, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर सिक्योरिंग 20% ऑफ द मार्क्स, विच मींस 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे इफ यू आर कंप्लीटली डूइंग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से. नंबर सेकंड टॉपिक इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट नहीं है गाइस, बट यू हैव टू कवर इट एंड इट हैज अ वेटेज ऑफ 10%. 10% का वेटेज है, दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द सिलेबस कि यहां पे 10% का वेटेज है, बट गाइस, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस दैट द वेटेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 10%. राइट? सो आफ्टर कवरिंग कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू कवर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसको कवर करते ही यू विल बी एबल टू कवर सिक्योर 30% मार्क्स, विच मीन्स 30 मार्क्स आप वहां पे आराम से लेकर आ जाएंगे. नंबर थर्ड इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. अगेन इसका जो वेटेज है दैट इज 5 to 7%. Right, 5 to 7% is the weightage of a specific relief act, and how this is this we know basically, this we know by analyzing the previous year trends, previous year paper. राइट? सो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसका वेटेज है 5 to 7%, तो वो आपको करना है. उसके बाद यू कैन इजिली स्कोर 5 to 7% मार्क्स इन पेपर 2. राइट? देन आफ्टर दैट फोर्थ इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. सो 5 to 7% का वेटेज इसका भी है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का. तो आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यू विल रीड द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट. राइट? उसका वेटेज है 5 to 7% का. एंड द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट लेटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, और सबसे बड़ी बात है इसको प्रिपेयर करने में यू विल हार्डली टेक 2 to 3 आवर्स. मैक्स टू मैक्स 2-3 आवर्स में यू कैन सिक्योर 10% ऑफ योर मार्क्स.
ठीक है, आराम से कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, जिसका वेटेज है 10%। सो दीज आर द फाइव टॉपिक्स इन द पेपर टू ऑफ फेज वन थ्रू विच यू कैन इजिली स्कोर 50 मार्क्स। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आपको लग रहा है कि अभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो गाइज ये फाइव टॉपिक्स कर लीजिए, इसके बाद डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 50 मार्क्स। ठीक है, बट क्या इसका ये मतलब है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं? नहीं गाइज, अगर आपके पास टाइम है तो बचे हुए टॉपिक्स भी कर लीजिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे आप सारे के सारे एक्यूरेट तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं, राइट? कुछ मिस्टेक्स यहां पर भी होंगी, तो इसीलिए यू हैव टू डू दीज फाइव टॉपिक्स। ये तो आपको करने ही करने हैं, इसके बाद एक दो टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा भी कर लीजिए ताकि आपके आराम से 50 मार्क्स तो सिक्योर हो जाए। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड दैट दीज आर द फाइव टॉपिक्स, आपको इसी प्रायोरिटी पर आप कर सकते हैं या प्रायोरिटी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, बट ये फाइव टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं गाइस। एंड द बेयर एक्ट इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है? बेयर एक्ट से करेंगे टाइम भी कम लगेगा और आप कॉन्फिडेंट भी ज्यादा फील करेंगे कि मैंने अच्छे से बेयर एक्ट से कवर कर लिया है, क्योंकि डायरेक्टली सेक्शंस में से ही क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो कोई रेफरेंस बुक मत रेफर करिए, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है तो जस्ट रेफर द बेयर एक्ट, दैट विल बी द बेस्ट सोर्स। ठीक है, फॉर इंपॉर्टेंट लेटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू गूगल इट, इंपॉर्टेंट लेटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, टॉप 100 टू 150 इंपॉर्टेंट लेटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स को निकाल लीजिए, पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, उसको रेफर कर लीजिए, बस इतना ही करना है, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। Got it? So these are the five topics, guys, through which you can easily score 50% of the marks in paper 2 and you can clear the phase 1 of this examination, right? और गाइज लास्ट मिनट में, सिंस 4 डेज आर लेफ्ट, प्रैक्टिस इज द की हेयर, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, बहुत सारे मॉक्स देने हैं, क्विज देने हैं, दैट इज वाई हमने आपके लिए कोर्स भी लॉन्च किया था गाइज, लीगल टेस्ट सीरीज वाला, विच यू कैन सी हेयर। यहाँ पे आप जो भी फेज वन पेपर टू के जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ पे सारे टॉपिक्स आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ है, रिवाइज करना अलग चीज़ है, बट प्रैक्टिस इज द की। सो प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में आपको MCQ के फॉर्म में ही क्वेश्चन आएंगे, राइट? तो उसके पहले से ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिस इज टेस्ट सीरीज, राइट? टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, यहां एडुटाइप की भी ले सकते हैं, किसी और की भी ले सकते हैं, बट गाइज द थिंग इज आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, राइट? सो प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, इंडिविजुअल सेपरेट सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उस सारी चीजें आपको देते चलना है गाइज, तभी आपके जो चांसेस हैं काफी अच्छे हो जाएंगे। सो दिस इज द कोर्स दैट इज सेबी ग्रेडेड लीगल टेस्ट सीरीज, फेज वन और फेज टू दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है गाइस, ये काफी अच्छा डिस्काउंट भी है, सो यू कैन चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन यूज द कोड एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट। All the very best, guys. Thank you very much.